मैं सबसे पहले अपने अजमेर वासियों को बहुत बहुत मुबारकबाद देना चाहूँगा कि जैसे कि हमारे यहाँ पे कुणाल ने एक इवेंट ऑर्गेनाइज़ किया है कलाकार 2019 एक बहुत बड़ी सोच बन सकती है आगे जाकर, क्योंकि मैं जानता हूँ कि अजमेर में छोटी छोटी गलियों के अंदर बहुत सारी टैलेंट छुप कर बैठा हुआ है। इस टैलेंट को निकालने के लिए ये इवेंट बहुत ही काम आने वाला है और मुझे लगता है कि इस इवेंट को आप मेहनत कर रहे हैं बहुत सक्सेसफुल बनाएंगे। और दूसरी चीज़ मुझे लगता है कि यहाँ पर छोटे छोटे तबके से जो बच्चे टैलेंटेड है उसका टैलेंट आप एक स्टेज पर लाकर उनको एक प्लेटफॉर्म देंगे, तो मुझे इस बात की बहुत खुशी है कि आप इस कलाकार 2019 में आप लोग सब मिलकर आप कुणाल भाई, आपके राजवीर भाई, ललित भाई, जो भी आप मिलकर ये काम कर रहे हैं, तो मुझे बहुत खुशी है कि आप लोग इस मिलकर इवेंट को बहुत सक्सेसफुल बनाएंगे और अजमेर के गरीब बच्चों को, अलग अलग तबके के बच्चों को टैलेंट दिखाकर एक स्टेज प्रोवाइड करेंगे। हाँ, आपने ये बहुत अच्छा कदम उठाया है कि आप किसी सेलिब्रिटी को अजमेर लेके आ रहे हैं। सेलिब्रिटी को अजमेर लाने से एक प्रॉपर गाइडलाइन मिलती है, ये लोग बहुत प्रोफेशनल होते हैं, ये लोग जब अजमेर आएंगे आपकी प्रोफेशनल को दिखाएंगे तो हमें लगता है कि हमारे जो बच्चों को एक सही रास्ता मिल सकेगा और सही राह मिल सकेगी। ये निवेदन करता हूँ कि 28 तारीख को मैं वहाँ पर खुद भी प्रेजेंट रहूँगा और आप सभी वहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में पहुँचकर इस फंक्शन को सक्सेसफुल बनाएं और इस फंक्शन को आकर हमारा साथ बटाएं। 28 तारीख को होने वाले इस इवेंट में मैं अजमेर वासियों से निवेदन करूंगा कि आप ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में वहाँ पधारें और इस इवेंट को सक्सेसफुल बनाएं। और मैं भी वहाँ रहूंगा तो आप, मैं चाहता हूं कि भाई इस कलाकार 2019 में पूरे अजमेर वासी हैं पूरे ताकत के साथ वहाँ पहुँचें और उस इवेंट को बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल बनाने की कोशिश करें। मैं शाकिर खान, MMJN अकेडमी, शास्त्री नगर, अजमेर। देखिए, इससे पहले अजमेर के जितने भी स्टूडेंट्स हैं या बॉयज़ हैं, गर्ल्स हैं, इन्होंने सिंगिंग और डांसिंग को आज तक टेलीविज़न पे जो जितने भी स्पेसिफिक रियलिटी शोज़ हैं उनमें ही देखा है कि यार अजमेर के लोगों ने आज तक उस चीज़ को दूर से ही देखा है। उनको नहीं पता कि उसमें जजिंग किस टाइप से होती है, परफॉर्मेंस कैसे होती है। उन्होंने देखा है कि हिंदुस्तान से बहुत सारे लड़के लड़कियाँ टेलीविज़न पर परफॉर्म करते हैं, तो देखते हैं, दूर से देखते हैं। बहुत सारे लोग, इच्छा भी होती है कि यार हम लोग भी ऐसे इवेंट में जाएं, लेकिन एक स्पेसिफिक प्लेटफॉर्म ना होने की वजह से कभी भी उनको एक हायर लेवल का कॉन्फिडेंस नहीं मिल पाता है कि यार मैं इस चीज़ के लायक हूँ कि भी नहीं हूँ। क्या पता जब मैं ऐसे प्लेटफॉर्म पे जाऊँ तो मैं उस क्वालिटी का परफॉर्म नहीं कर पाऊँ जैसा कि मैं अपने घर पे करता हूँ। तो जब अजमेर लेवल पर, रीजनल लेवल पर ये इस टाइप के प्रोग्राम होते हैं, इवेंट होता है, तो हर एक स्टूडेंट को जो जूनियर लेवल पर हैं उनको अपना टैलेंट परखने का मौका मिलता है। पब्लिक के सामने वो अपना टैलेंट दिखा सकते हैं, पब्लिक के सामने अपनी कलाकारी को निखार सकते हैं। जहाँ तक इवेंट की बात है तो मोशन ऑफ डांस एकेडमी जो है उसने ये प्रोग्राम रखा है और जजिंग के लिए वो काफ़ी रिनॉन लोगों को इसमें अजमेर के टैलेंट के सामने लेके आ रहे हैं। तो मेरा यही मानना है कि जब भी इंटरनेशनल लेवल के लोग यहाँ पर आते हैं, अजमेर की प्रतिभा को देखेंगे, यहाँ के टैलेंट को देखेंगे, यहाँ के डांसर्स को देखेंगे, यहाँ के सिंगर्स को देखेंगे, तो सबसे इम्पॉर्टेंट फैक्टर यह है कि अजमेर वासियों को ये पता चलेगा कि उनमें भी प्लेटफॉर्म पर परफॉर्म करने की काबिलियत है, टैलेंट है, एक काबिलियत है जिसको वो देश पर या कंट्री लेवल पर या एक बड़े स्टेज पर ले जा सकते हैं। लेकिन उस बड़े स्टेज पर जाने के लिए पहले छोटे स्टेज से गुजरना बहुत ज़रूरी है। तो मैं आपकी टीम को, कुणाल जी की टीम को धन्यवाद देता हूँ कि वो अजमेर वासियों के लिए एक ऐसा प्लेटफॉर्म बना रहे हैं जिससे आने वाले समय में अजमेर की प्रतिभाएं भी राष्ट्रीय स्तर पर और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपनी प्रतिभा का लोहा बनवाएं। धन्यवाद। हेलो, फर्स्ट ऑफ ऑल अजमेर नमस्ते। जैसे कि कलाकार शो आपने सबने सुना ही होगा, 28 को हो रहा है जिसको ऑर्गेनाइज़ कर रहे हैं मोशंस ऑफ डांस एकेडमी। सो एक बार ज़रूर इन बच्चों को आप सपोर्ट करें, इनके डांस और सिंगिंग कंपटीशन को अपना प्रोत्साहन दें और रॉयल बेकर्स आपको इनवाइट करेगा शो के लिए। थैंक यू सो मच। मैं सूर्य तुलसानी, ऑनर ऑफ रॉयल बेकर्स। कलाकार 2019 इट्स अ गुड इवेंट और मैं कुणाल जी और कुणाल जी की टीम को बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएँ देता हूँ इस इवेंट के लिए। ऐसे इवेंट हर साल बहुत शॉर्ट टाइम में होते रहने चाहिए जिससे छोटे बच्चों को अपनी प्रतिभा को और निखारने का मौका मिलेगा। मेरी तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं।
अमित सेन, अमारा सलोन एंड स्पा।